कैसे बोलेगी पापा को? बोलो कहाँ जा रहे हैं? तिंती तंत मोर में मत कर रहे हम लोग। और क्या क्या होता है वहाँ पे? काली तलाला और काली का खेल खेलना और कपड़े लेना और काला काला और भी होता आज हम सब जा रहे हैं। भी होता है तुतला कपड़े ले ले, तुतला तो कपड़े ले ले, तिंती तंत मोर नए कपड़े लेगा आज पारस। तो आज हम जा रहे हैं, हाँ प्रीशा भी जा रही है, सिटी सेंटर मॉल घूमने। हेलो एवरीवन, तो आज हम जा रहे हैं सिटी सेंटर मॉल जो नासिक का सबसे बड़ा मॉल है और बहुत ही फेमस है और इसमें आपको हर वैरायटी हर चीज़ का सामान मिलेगा। तो ये देख सकते हो आप, ये है नासिक की काठियावाड़ मार्केट और ये सबसे महंगी मार्केट है नासिक की। इसमें आपको जो स्टार्टिंग से ही सामान जो है वो कम से कम 5-6 हज़ार से ही स्टार्ट होगा। इसमें आपको ब्रांडेड सामान ही मिलेगा और बहुत ही महंगा सामान मिलता है और यहाँ से शुरू होता है हमारा सिटी सेंटर मॉल। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर है, ये पूरे नासिक में सबसे बड़ा मॉल है और बहुत ही अच्छा है, अंदर जाके बहुत ही मज़ा आता है। तो ये है हमारा सिटी सेंटर मॉल। तो चलिए आज मैं आपको करवाती हूँ सिटी सेंटर मॉल की सैर और घुमाती हूँ आपको, दिखाती हूँ अंदर जाके इसमें क्या क्या है। और आजकल तो वैसे भी कपड़ों के समर सीज़न आ रहा है तो बहुत सारी वैरायटी आ रखी है समर सीज़न के क्लॉथ्स की। तो ये है हमारा सिटी सेंटर मॉल और यहाँ पे पहुँच गए हम आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होती है कार वगैरह पार्क, तो हम जा रहे हैं अभी अपनी कार पार्क करने। तो आप बने रहे वीडियो में, चलिए आपको आगे दिखाती हूँ मैं सिटी सेंटर मॉल। ठीक है, रुक जा, तेरा ऊपर हो गया है लाइटिंग वगैरह की। अच्छी तो तो ये देखो फ्रेंड्स, मॉल पहुंचते इनको सबसे पहले दिख गई ट्रेन और बच्चों का तो बस यही इनको बस अपना अपना ही दिखता है। और यहाँ देखो रिशा, रिशा यहाँ देखो, हाय पागल कर क्या रहा है तू? तो यहाँ से हम जा रहे थे सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर में, तो यहाँ पे इनको दिखी इस तरह से कार। और मेरे बच्चे तो मॉल स्पेशली इसीलिए जाते हैं अपनी गेम खेलने के लिए। पारस को चाहिए अपनी गेम, खाना और घूमना और अपने लिए नए नए ड्रेसेस लेना। और जब हम अपने लिए कुछ देखना चाहते हैं ना तो ये हमें ज़रा नहीं देखने देते, बहुत ही तंग करते। और परीक्षा तो पूरे मॉल में से भी इतनी दौड़ लगाती, इसको तो गिरने का बहुत डर रहता है, तो इसको तो हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों को घुमा रहे थे गाड़ियों में, इनको लगा रहे थे गाड़ी में चक्कर। तो ये है सिटी सेंटर मॉल, मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ थोड़ा थोड़ा, पूरा तो मैं शायद कैप्चर ना कर पाऊँ फ़ोन में। ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सुंदर है, चारों साइड इतनी लाइटिंग, इतना अच्छा लगता है अंदर जाके, मन खुश हो जाता है। और आपको यहाँ पर हर चीज़ हर प्रकार का सामान मिलेगा जो भी आपको चाहिए। तो ये हमारा सिटी सेंटर मॉल और यहाँ पर नीचे भी देखो छोटी छोटी ऐसे लोगों ने सामान लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको मैक्स, रिलायंस, पैंटालूंस और हर वैरायटी हर ब्रांडेड का कपड़ा मिलेगा, हर एक चीज़। खाने के लिए भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिस्टम है, आपको हर प्रकार की खाने की सब कुछ मिलेगा, आप जो भी खाना चाहते हो। तो ये देखो नीचे यहाँ पे कॉस्मेटिक सामान लगा रखा था और कुछ नहीं है, सिर्फ लेडीज़ का ही है कॉस्मेटिक सामान। तो अभी हम जा रहे थे रिलायंस में कपड़े देखने। तो ये देखो कितना हमारा मॉल जो वो शाइनिंग कर रहा है,
और यहाँ मैं पहुँच गई थी लेडीज़ का, मेरे को अपने लिए चाहिए थी कुर्ती पर मेरे को पसंद नहीं आई, सारी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग कुर्ती थी। तो ये देखो इस तरह से, ये है जॉर्जेट में। जॉर्जेट की कुर्तियों का ऐसा होता है ना, इनका ना ही कलर फेड होता है और ना ही ख़राब होती है, चाहे आप 3 साल यूज़ करो चाहे 4 साल यूज़ करो। जो मैंने कुर्ती खुद डाल के रखी हुई है ये कम से कम मैंने 3-4 साल पहले ली है और ये वैसी की वैसी है। हाँ मैंने डाली बहुत कम है। तो यहाँ पर पहुँच गए थे हम लेडीज़ के सेक्शन में, यहाँ पर जीन्स वगैरह और जीन्स के साथ डालने के लिए लॉन्ग टॉप थे और नाइट वियर क्लोथ्स वगैरह लगे हुए थे। तो प्रीशा मेरे को नहीं देखने दे रही थी, ये वीडियो भी मैंने जैसे कैसे बना ली। और यहाँ पे ली मैंने पारस के लिए एक टी शर्ट, ये अपने कपड़े जैसे हम मॉल में जाते हैं ना तो ये अपने लिए अपने कपड़े खुद ही देखते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और ये था गर्ल्स का सेक्शन, तो मेरे को चाहिए थी प्रीशा के लिए, पर मेरे को चाहिए थी कॉटन की, ऐसी फ्रॉक तो ये डालती नहीं है और थे भी तो इसके बहुत बड़े साइज़ के थे, इसके हमें परफेक्ट साइज़ नहीं मिल रहा था। ले आ पकड़ के। तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पे मैक्स, और पूरे मॉल में सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है आई थिंक थोड़े बहुत कपड़े जो सस्ते होते हैं ना वो मैक्स में ही होते हैं, नहीं तो हर जगह बहुत ही ब्रांडेड और बहुत महंगे मिलते हैं। तो यहाँ पे ये फिर से बैठ के थे ट्रेन में, ऐसे रोने लगते हैं, ऐसे जिद करते हैं, तो एक राउंड लगाया इनको फिर से यहाँ पर हमने ट्रेन में। तो ये देखो किस तरह से, इनके ही मज़े हैं, मॉल जाएँ तो बच्चों के ही मज़े हैं, हमें तो कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। और यहाँ पे है टैटू की हल्की सी शॉप, किसी को टैटू वगैरह बनाना हो तो वो बना सकता है। और तो यहाँ पे फ्रेंड्स पारस बैठ गया था फ़ोटो लेने के लिए, बट मैंने यहाँ पे हल्की सी वीडियो शूट कर दी, उसको बहुत ही ज़्यादा शौक है फ़ोटो लेने का, प्रीशा को तो नहीं है बट उसको हाँ मेरी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे खाने के सेक्शन में, और यहाँ पे भी आपको जो भी आपका मन हो जैसा भी आपको हर एक चीज़ खाने को मिलेगी। और ये बहुत ही अच्छा इन्होंने बना के रखा हुआ है, यहाँ पे चेयर वगैरह भी आप देख सकते हो, बहुत ही कंफर्टेबल है, बच्चों के साथ आप बहुत ही आराम से बैठ सकते हो। तो खाने का भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिस्टम कर रखा है। तो यहाँ पे खाने में हमने ऑर्डर किया था कॉफ़ी और ये वेज रोल, पनीर वेज रोल, और बच्चों के लिए ऑर्डर किया था चाउमीन नूडल्स, क्योंकि इनको तो वही बहुत पसंद है और नूडल में ऐसा होता है ना चाउमीन में ज़्यादा स्पाइसी नहीं करते हैं, अगर आप बोल लें तो बच्चों के हिसाब से ही बनाते हैं, तो इन दोनों को बहुत ही पसंद। और ऐसे भी हम ना 2-2.5 बजे के बाद ही गए थे दिन को लंच करके, तो मैंने खाया और मेरे हस्बैंड ने तो कुछ नहीं खाया। तो ये देख सकते हो आप चारों साइड लोग कितने आराम से कितने मज़े से खा रहे हो, और साथ में टीवी वगैरह भी चला होता है, आप इंजॉय करके खा सकते हो। फिर उसके बाद खाना खा के हम चले गए थे बच्चों को गेम खिलवाने, और यहाँ पे देखो भूत वाला वो, ये हमने कभी नहीं देखा और कभी नहीं हम ट्राई किया। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं हम गेम वाले सेक्शन में, और यहाँ पे आपको हर तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी गेमें मिलेंगी खेलने को, जिसमें बच्चे क्या बड़े भी इंजॉय कर सकते हो, बड़े भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये इन दोनों का यहाँ पे भी आके, ये एक ही इस पे बैठ गए थे कार पे, और इस पे भी आके ये दोनों जो थे वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। इन दोनों को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है, 1 मिनट में दोनों एकदम से लड़ने लग जाते हैं। तो ये इस तरह से आपको मैं दिखा देती हूँ चारों साइड, ये भी बहुत बड़ा है, और इसका जो है वो टिकट जो मिलता है वो 500 रुपये का मिलता है, मतलब उसमें आपको 500 रुपीज़ मिलते हैं, 500 रुपीज़, और उसके हिसाब से आप जैसे अलग अलग गेमों के अलग अलग चार्ज होते हैं, तो वो उसका तो ज़्यादा पता नहीं चलता, पर फिर भी हाँ आधा कर घंटा तो हम आराम से खेल सकते हैं। तो यहाँ पे पारस कर रहा था कार रेस, और इसको तो बेचारे को ऐसे बिठा दिया क्योंकि इसको भी कुछ पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, इसकी इसको ऐसे लगता है कि मैं भी हाँ खेल रही हूँ।
इसके बाद इसमें आप देख सकते हो पहले ना इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी चॉकलेट्स वगैरह डाली हुई थी, लेकिन वो जैसे हम ये खेलते थे ना उठाते थे वो आ जाती थी, अब इन्होंने वो कैंसिल करके यहाँ पे छोटी छोटी टॉफीज वगैरह डाल दी है, वो बहुत ही तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं भी एक गेम ट्राई कर रही थी, यहाँ पे ना अंदर बहुत ही फैंसी फैंसी बॉटल रखी होती है, रखी थी सॉरी, तो मैं चलो ट्राई करती हूँ एक उठाने का, पर इन्होंने इस तरीके से रखी होती है कि एक भी बॉटल जो है इसके हाथ में नहीं आई और मैं हार गई। तो ये है इस तरह से, और पारस प्रीशा भी यहाँ पे ट्राई कर रही थी, ये भी खेल रही थी यहाँ पे गेम। तो ये है हमारा गेम सेक्शन, और इसमें बहुत ही मज़े की सारी गेमें होती है, बड़े लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। तो फिर गेम खेलने के बाद यहाँ पे बच्चों को दिखी थी आइसक्रीम, फिर बच्चों को आइसक्रीम ना दिखे और वो ना खाए ऐसा कभी हो नहीं सकता, और यहाँ पे एक जोकर बन के घूम रहा था। तो ये देखो प्रीशा, मैंने दो ही खाई, प्रीशा ने पारस यहाँ पे आइसक्रीम। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड पारस ये चले गए थे इसके साथ फ़ोटो खिंचवाने, पहले शायद हमें लगा कि ये कुछ चार्ज वगैरह लेंगे ऐसे फ़ोटो खिंचवाने का, बट नहीं ये ऐसे सबके साथ खिंचवा रहे थे। तो यहाँ पे पारस, बट पारस बहुत ज़्यादा डर रहा था, वो नहीं जा रहा था, इसको हमने ज़बरदस्ती भेजा। और ये देखो मैडम यहाँ पर भी इसको गाड़ी दिखी और आइसक्रीम गाड़ी में बैठ के इसने खाई और उतर ही नहीं रही थी, और फिर हम भी हो गया था अंधेरा और हमारा हो गया जाने का टाइम। तो अभी हम तो यहाँ पे हो गया था फ्रेंड्स रात का टाइम, और आजकल वैसे भी समर सीज़न स्टार्ट हो गया, तो आप शाम के टाइम ही घूमने जाएं बाहर तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है, सुबह जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे अपने क्वार्टर के पास, और कुछ सामान हमें लेना था, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर रुके थे सामान लेने, यहाँ पर हमें छोटा मोटा सामान मिल जाता है। और प्रीशा सो गई थी तो पूरा रास्ते ही सो के आई। तो ये है हमारा फ्रेंड्स आज का छोटा सा ब्लॉग, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर।